हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 7 में हम देखते हैं फूपेई वांगशन को किस करने की कोशिश करता है और मोमो ये देखकर उसके हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिर जाता है और मोमो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर मोमो वांगशन से कहती है फूपेई को लेकर यहाँ से चले जाओ, और ये सुनकर वांगशन मोमो को समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि मोमो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी, इसलिए गुएई वांगशन से कहता है तुम दोनों को अब जाना चाहिए। फिर मोमो ग्लास का टुकड़ा साफ करने के लिए नीचे बैठती है और गुएई ये देखकर कहता है कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगा। फिर हम देखते हैं मोमो अपने रूम में जाकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। इसके बाद मोमो अपना सामान पैक करके गुए के घर से जाने लगती है, लेकिन गुए मोमो को रोक लेता है और कहता है सिटोमो तुम नहीं जा सकती। और ये सुनकर मोमो पूछती है पर क्यों नहीं जा सकती? फिर गुए बहाना बनाकर कहता है क्योंकि घर की सफाई करनी है। इसके बाद गुए मोमो को रोकने के लिए तरह तरह के काम देने लगता है। फिर गुए कहता है तुम्हारे लंबे बालों के वजह से बाथरूम में पानी अटक गया है, पहले वो साफ करो। फिर मोमो साफ करने की कोशिश करती है और ये देखकर गुए कहता है ठीक है कोई बात नहीं, प्लम्बर से करवा लूंगा। क्योंकि काफी देर हो चुकी है इसलिए कल से पहले प्लम्बर बुला नहीं सकता हूँ, और कल मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं रुक सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। फिर मोमो ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि गुए स्माइल करने लगता है। इसके बाद गुए और मोमो सोफे पर बैठे हुए थे और वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। फिर मोमो गुए से कहती है मुझे भूख लगी है, क्या तुम नूडल्स खाओगी? फिर गुए कहता है हाँ। फिर मोमो फ्रिज खोलकर देखती है कि वहाँ पर नूडल्स नहीं था, इसलिए गुए के पास जाकर पूछती है फ्रिज में जो नूडल्स रखे थे वो कहाँ गए? फिर गुए कहता है मैं खा गया। और ये सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर गुए कहता है मैं लेके आता हूँ, लेकिन कौन सी ब्रांड का लेके आओ? फिर मोमो कहती है कोई भी। और ये सुनकर गुए कहता है कुछ भी लेके आओ, खा लोगी? एक्स लाओ। फिर मोमो कहती है मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। और क्योंकि गुए यही चाहता था कि मोमो उसके साथ जाए, इसलिए गुए स्माइल करने लगता है। इसके बाद गुए और मोमो एक साथ शॉपिंग करने जाते हैं। फिर गुए घर की सफाई करने के लिए बहुत सारा रोबोट खरीद लेता है और मोमो ये देखकर कहती है अभी वापस कर दो, बहुत महंगा है। फिर उस शॉप में काम करने वाली आंटी को लगता है कि गुए और मोमो कपल्स हैं। फिर मोमो कहती है हम दोनों कपल्स नहीं है। और ये सुनकर वो आंटी कहती है तो फिर तुम इसकी इतनी केयर क्यों कर रही हो? फिर गुए मोमो से कहता है एक खरीद लेते हैं। और ये सुनकर मोमो कहती है ठीक है खुद ही पे करो। इसके बाद वो लोग जब बिल करने जाते हैं तब शॉप वाली लड़की कहती है अगर आप लोग कुछ और खरीदते हो तो हम लोग 200 RMB पर एक बैग दे रहे हैं और आपका 190 RMB हो चुका है। फिर मोमो कहती है ठीक है और फिर एक च्युइंगम के बॉक्स उठाकर देती है। इसके बाद वो लोग घर आते हैं और फिर गुए जब च्युइंगम खाने के लिए पैकेट खोलता है तो देखता है कि ये तो च्युइंगम नहीं कुछ और ही है। और ये देखकर गुए बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और कहीं मोमो ये देख ना ले, इसलिए गुए अपने बैग में छुपा देता है और बैग के ऊपर बैठ जाता है। अगले दिन सुबह मोमो गुए से पूछती है प्लम्बर कब तक आएगा? फिर गुए कहता है जल्दी ही। फिर मोमो गुए से कहती है तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ काम है। फिर गुए कहता है बस निकलने ही वाला हूँ। कुछ देर बाद गुए मोमो से पूछता है तुम हॉस्टल वापस जा रही हो क्या? फिर मोमो कहती है ऑफ कोर्स। और ये सुनकर गुए कहता है मैं तो यही कहूँगा कि तुम यही रुक जाओ, क्योंकि जहाँ तुम इंटरव्यू देने गई थी यहाँ से वो कंपनी नजदीक है और तुम वॉक करके भी जा सकती हो। और ये सुनकर मोमो कहती है पर मुझे पता नहीं कि मैं शॉर्टलिस्ट होंगी कि नहीं। फिर गुए कहता है तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को रहने के लिए 1 ईयर का रेंट पे कर चुकी है, तो ग्रेजुएशन होने तक तुम्हें यही रुकना होगा, अगर तुम नहीं रुकोगी तो मेरी मॉम मनी रिटर्न कर देंगी। फिर उसके बाद पता नहीं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कहाँ घर देखेंगी। तभी गुए के लिए मोमो की मॉम की भेजी हुई कुरियर आता है और गुए खोलकर देखता है कि मोमो की साइन की हुई एग्रीमेंट पेपर है। और ये देखकर गुए तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये तो गुए के लिए खजाने से भी बढ़कर है। और फिर मोमो से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम किसी और घर के लिए तो मेरा नहीं देंगी। और ये सुनकर मोमो कहती है पर ऐसा क्यों? फिर गुए मोमो की साइन की हुई एग्रीमेंट पेपर दिखाता है और ये देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस्ड फील करती है। फिर मोमो गुए से पूछती है तुम क्यों चाहते हो कि मैं यहाँ रुकूं?
और फिर वो झूठ बोल देता है कि तुम्हारी मॉम से डरता हूँ। इसके बाद प्लम्बर आता है और फिर गुए मोमो से कहता है, मैं तो यही रहूंगा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। फिर गुए जब बाथरूम में प्लम्बर से काम करवा रहा था, तब मोमो कहती है मैं जा रही हूँ। और ये सुनकर गुए बहुत डर जाता है और फिर मोमो के रूम में जाकर देखता है कि मोमो की सामान रूम में ही रखी हुई थी। और सामान देख कर गुए समझ जाता है कि मोमो नहीं जाएगी और इसलिए स्माइल करने लगता है। इसके बाद गुए मोमो की साइन की हुई एग्रीमेंट को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मोमो हॉस्टल आती है और फिर मोमो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी वहाँ से फोन आता है। और जब मोमो को पता चलता है कि मोमो सिलेक्ट हो गई है तो मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन खुशी जाहिर नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पर वांगशन भी बैठी हुई थी और इसलिए मोमो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर मोमो जब मैंगलोर से कहती है कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ तो ये सुनकर वांगशन भी बहुत खुश हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि गुए भी हॉस्टल में आया हुआ था और फिर गुए की रूममेट के गुए को गैदरिंग में इनवाइट करता है, लेकिन गुए साफ मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो मैंगलो के साथ कैंटीन में खाना खाने आई थी और वहाँ पर मैंगलो की बॉयफ्रेंड के और गुए भी खाना खाने आता है। फिर मैंगलो के से कहती है, क्या तुमने किसी को गैदरिंग के बारे में बताया है क्या? और गैदरिंग का नाम सुनकर मोमो कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर मैंगलो कहती है, हम लोग बीच पर जाने का प्लान कर रहे हैं। और बीच का नाम सुनते ही मोमो कहती है, मैं भी चलूंगी। और मोमो जाने वाली है, ये सुनकर गुए कहता है, मैं भी जाऊंगा। और ये सुनकर के कहता है, अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम नहीं जाओगे। और तभी मैंगलू के पैर पर मारकर के को चुप करा देती है। फिर गुए कहता है, पर तुमने बीच के बारे में डिस्कस किया ही नहीं। फिर मोमो गुए से पूछती है, तुम्हें भी बीच पसंद है क्या? और गुए कहता है हाँ। फिर खाना खाने के बाद मैंगलू मोमो से कहती है, हम डेट पर जा रहे हैं, अगर तुम्हें भी कहीं जाना है तो जाओ। फिर वो लोग जाने के बाद मोमो गुए से पूछती है, दोपहर में तुम फ्री हो क्या? मूव करने में हेल्प करो, वाटरमेलन खिलाऊंगी। अब गुए मोमो को कैसे मना कर सकता है, इसलिए कहता है ओके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फुपई को जब पता चलता है कि मोमो बीच पर जा रही है तो फुपई कहता है, मैं भी जाऊंगा, तुम लोग मुझे कैसे निकल सकते हो। फिर हम देखते हैं कि गुए मोमो को सामान उठाने में मदद कर रहा था। फिर गुए मोमो को बैग से घर की चाबी निकालने के लिए कहता है और मोमो जब गुए के बैग से घर की चाबी निकल रही थी तब चाबी के साथ साथ च्युइंगम का बॉक्स भी निकल जाता है। फिर मोमो गुए से कहती है, हमने जो च्युइंगम खरीदा था वो है। और गुए बॉक्स खोलने से मना करने से पहले ही मोमो बॉक्स खोल देती है और खोलकर देखती है कि ये तो च्युइंगम नहीं, बॉक्स में कुछ और ही है। और ये देखकर गुए और मोमो दोनों ही बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। फिर गुए मोमो से कहता है, क्यों खोला तुमने? फिर हम देखते हैं वो दोनों घर पे आने के बाद दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दोनों ही बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। फिर गुए कहता है, मुझे भी ये बैग में मिला था जब हमने वो रोबोट खरीदा था, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मोमो कहती है, मुझे लगा कि ये च्युइंगम है इसलिए मैंने ले लिया। फिर मोमो गुए से पूछती है, तुमने इसे बैग में क्यों रखा था? और फिर मोमो गुए की मजाक उड़ाते हुए कहती है, एनी एक्टिविटी टुनाइट? और ये सुनकर गुए कहता है, हाँ, तुम ज्वाइन होना चाहती हो क्या? फिर मोमो की बोलती बंद हो जाती है और मोमो वो बॉक्स डस्टबिन में फेंक कर अपने रूम में चली जाती है और गुए स्माइल करने लगता है। कुछ देर बाद मोमो गुए के लिए वाटरमेलन लाती है और गुए से कहती है, मेरी मॉम ने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजी थी वो वापस करो। फिर गुए झूठ बोल देता है कि वो मेरे पास नहीं है। और मोमो जाने के बाद हम देखते हैं कि गुए ड्रॉअर में से वो एग्रीमेंट के पेपर निकलता है। फिर रात को मोमो और गुए गेम खेल रहे थे और क्योंकि मोमो हार रही थी इसलिए गुए के कॉइन्स चुराने की कोशिश करती है, लेकिन गुए मोमो को रंगे हाथ पकड़ लेता है। अगले दिन सुबह मोमो और गुए बीच पर जाने के लिए रेडी होकर नीचे आते हैं और सब लोग आने के बाद मोमो जब कार में बैठने के लिए कार का दरवाजा खोलती है तब अंदर फूफे को देखकर अपसेट हो जाती है। फिर गुए और मोमो कार में बैठते हैं और एक लंबे सफर के बाद पहुंच जाते हैं बीच में। इसके बाद वो सब लोग मिलकर बीच पर टेंट्स लगा रहे थे और फिर वो सब लोग समुद्र के पानी में बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे थे। फिर मोमो चेंज करने के लिए मैंगलू से पूछती है, टेंट के अंदर कोई है क्या? और क्योंकि मैंगलू को पता था कि मोमो और वांगशन के बीच में कुछ हुआ है इसलिए सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है, नहीं कोई नहीं है, जाओ चेंज कर लो। और मोमो अंदर जाकर देखती है कि वांगशन पहले से ही अंदर है
फिर वंश एंड मोमो से कहती है चलो एक फेयर कंपटीशन करते हैं। और ये सुनकर मोमो हंसकर कहती है किसके लिए? फूफे के लिए। मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मुझे फील होने लगा है कि मैं उसे लाइक नहीं करती। और ये सुनकर वंशन कहती है मेरी वजह से है ना? फिर मोमो कहती है मैं कसम से कह रही हूँ ये तुम्हारी वजह से नहीं है। और फिर उन दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और मैंगलू और नियोनियो के प्लान माफिक काम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो पतंग उड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे नहीं हो रहा था और पतंग उड़ाते उड़ाते गुए से धक्का लग जाता है। फिर गुए पतंग उड़ाने में मोमो को हेल्प करता है। फिर मोमो देखती है कि फूफे किसी और लड़कियों के साथ पतंग उड़ा रहा है और ये देखकर मोमो फिर से अपसेट हो जाती है। और गुए मोमो को अपसेट देखकर पूछता है आर यू ओके? फिर मोमो कहती है कुछ लोग बिल्कुल पतंग की तरह होते हैं, एक बार हाथ से निकल जाते हैं तो उड़ते ही चले जाते हैं। वो फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखते हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और ये सुनकर गुए लाइटर से पतंग की डोर जलाकर कहता है इट्स वेरी सिंपल। और मोमो ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है गुए मेरी पतंग पहले इतने ऊपर कभी नहीं गई, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और फिर मोमो गुए को मारने के लिए गुए के पीछे भाग रही थी। और हमारी टॉम एंड जेरी की जोड़ी को देखकर फूफे बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। इसके बाद मोमो को एक शंख मिलती है और वो शंख मोमो गुए के कान के पास लगाकर कहती है इससे सुनो लहरों की आवाज आएगी। और फिर गुए अपने फिजिक्स के क्लास जाने लगता है और ये सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और यही पे एपिसोड 7 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।